भगवान के समस्त नाम भक्तों के द्वारा दिए हुए। भगवान तो अनाम है, अरूप है, लेकिन भक्त जिस रूप में चाहते हैं उस रूप में वो प्रकट हो जाते हैं। या भगवान जैसी आवश्यकता समझते हैं उस रूप में प्रकट हो जाते हैं। अब भगवान का नाम माखन चोर क्यों पड़ा आप लोग जानते हो, किसने रखा है? भगवान का नाम गिरधारी है,
किसने रखा, क्यों रखा, हम सब जानते हैं। भगवान आतत्राण परायण है, ये नाम किसने रखा। भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है, ये भगवान अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं, इसलिए उनका नाम भक्त वत्सल। जैसे नई ब्याई हुई गऊ अपने नव प्रसूत शिशु की मलिनिमा नहीं देखती है, कैसा क्या होता है। अब हमने तो गैया की डिलीवरी कराई थी, जब गैया चराते थे तो हमको मालूम है हाथ में भी लगे तो कैसा लगता है। लेकिन अच्छा, हमारी गऊएं तो जरा सा गोबर कहीं भूसा में दिखाई पड़ जाए तो खाती नहीं, छोड़ देती है। संतों के गुण आगे बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन उस बछड़े को वो अपने मुंह से स्वयं चाट करके साफ करती है और चाट करके उसको उठने में सहायता उसके उठने में करती है और थोड़ा उसको इशारा करके अपने दूध के पास, स्तन के पास ला करके दूध पिलाती है। ऐसी गऊ को वत्सला कहते हैं, वत्सम लात। तो भगवान भी इसी तरह अपने भक्तों के दोषों का अवलोकन नहीं करते हैं। अगर हमारे दोषों का अवलोकन भगवान करने लग जाए तो हमको तो नहीं लगता किसी की गति हो पाए। भगवान अपने भक्तों के दोषों को देखते ही नहीं, करुणा करना उनका स्वभाव है। भगवान कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो मेरा जिस तरह से भजन करता है मैं उसका उसी तरह से भजन करता हूं। कोई भगवान को कहता मेरा लाला है तो भगवान कहता यस मैं तुम्हारा लाला हूं। कोई भगवान से कहता तुम हमारे सखा हो, बिल्कुल कहते चलो आओ घूम जो कुश्ती। तो हमारे स्वामी हो, भगवान कहते बिल्कुल हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। कोई कहता हम तुम्हारे स्वामी है तो भगवान नौकर बन के भी आ जाते हैं। तो ये भगवान के गुण हैं। भगवान अपने भक्तों के योग और क्षेम दोनों का वहन करते हैं, जो चीज नहीं है उसको प्रदान करते हैं और जो वस्तु है उसके उसकी रक्षा भी करते हैं, इसलिए उसको क्षेम कहते हैं। भगवान योग क्षेम दोनों का निर्वाह करते हैं। भगवान ये लीलाएं हम लोग बहुत बार सुनते देखते हैं, लेकिन कभी कभी तो भगवान ऐसे रूप में आए अपने भक्त की रक्षा के लिए कि भक्त ने उस तरह की प्रार्थना भी नहीं की, भक्त के हृदय में कल्पना भी नहीं है, और ऐसा रूप धारण किया जो जल्दी कोई विश्वास ही नहीं करेगा। हमारे महाराष्ट्र में एक भक्तमती माता हुए सुखरा सकुबाई, ये कृष्णा नदी किन्हें किराड़ में रहती थी। ये जितनी सात्विक और साध्वी और भक्त परायणा थी, उसके सास ससुर और उनके पुत्र माने इनके पति वो उतने ही 36 के आंकड़ा वाले। ऐसी विपरीत परिस्थिति में विवाहित होने पर भी सखू भाई ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। ये लोग कहते हमारे घर वाले हमको भजन नहीं करने देते, हमको अरे काहे को, जिसको भजन करना वो कर लेता है। उस सखू भाई की सास उसको तो कभी कभी दवाई भी कर देती थी और मुंह से तो आशीर्वाद वो देती ही रहती थी, और जब वो गाली दे ना प्रभाव पड़े तो लड़कियों को अपने माता पिता के विषय में कोई बात कहे, मायके बारे में कोई कहे तो लड़कियों को सहन नहीं होता है। अब वो बार बार इस अस्त्र का प्रयोग करके इसको दुखी करना चाहती थी। हमारे संत कहते हैं कोई अगर तुम्हें दुखी करना चाहे और आप दुखी ना होना चाहो तो कोई दुखी नहीं कर सकता, और इसी तरह से सारी दुनिया तुमको सुखी करने में लग जाए, यदि आप स्वयं सुखी होना नहीं चाहते तो कोई सुखी नहीं कर पाए।
सुख और दुख का एकमात्र हेतु आप हैं। सुखु भाई, इन विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान की सेवा करते, भगवान उनकी सेवा स्वीकार करते। अब भगवान की लीला, एक बार सबू के मन में आई, हमारे महाराष्ट्र में तो विशेष करके और वहां से और दूर दूर तक ये एकादशी के दिन भगवान देवा प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान पंडरीनाथ के दर्शन के लिए लोग सिर के ऊपर भगवान की छवि तुलसी ले करके और विठल विठल करते हुए लाखों लाखों की संख्या में लोग जाते हैं कीर्तन कर पद यात्रा करते हुए, जहां से वहीं से कई कई दिन लग जाते हैं और वहां जाके घंटों क्या कई कई दिन में नंबर आता है, लेकिन वहां पहुंचते हैं। एकादशी के दिन पहुंचने की हर वैष्णव के मन में अभिलाषा होती है, सखु भाई के मन में भी हुई। तो उस गांव के कुछ लोग जा रहे थे तो इसके मन में आया मैं भी जाऊं। तो गांव में कृपा करने वाले बहुत लोग होते हैं, किसी ने शिकायत कर दी उनकी, घर में जाए रघु भाई तो पंडरीनाथ यात्रा करने जा रही, अच्छा आने दो राणा को, और आ करके उसको और रस्सी में बांध दिया, जा देखू तू कैसे जाएगी। अब सबु भाई बंधी है तो केवल एक वही है, आर्त त्राण पर आए, आर्त स्वर में उनकी यात्रा की, प्रभु अरे एक बार जीवन में आपके चरण दर्शन हो जाते तो मैं कृतार्थ हो जाती, मेरी अभिलाषा क्या प्रभु पूरी नहीं होगी, इसी तरह मन में वो कामना करे जो बंधी है। अब भक्त का कष्ट भगवान से सहन नहीं होता, असह्य होता भगवान। भगवान एक सुंदर स्त्री का रूप लेकर के आ गए और ने कहा था कि तू पंडरपुर की यात्रा में नहीं जा रही, उन्हें कहा जाना तो चाहती हूँ लेकिन बंधी हुई हो, अरे मैं तुम्हें तो हूँ तेरी जगह मैं बांध जाती हूँ तू जा। अब बिचारी उनको भगवान ऐसा मोहिनी वाणी का प्रयोग करते कि अच्छे अच्छों की बुद्धि जय श्री कृष्ण हो जाती। तो भगवान उसकी सुखु भाई की जगह खुद बंध गए और सखु भाई खोल दिया और सखु भाई पहुंच गए यात्रा करते हुए पंडरीनाथ के दर्शन किए। बाबा गदगद हुई आराधित हुई नाच गा रही है, भगवान के दर्शन करके सखु भाई के मन में आया अब क्या करूंगी इस शरीर से वहां जा करके, अब ये शरीर तो यहीं छूटेगा, अब मैं इस शरीर से अब उस घर में नहीं जाऊंगा, ये उसके मन में संकल्प हो गया। और ये तो यहां आनंद ले रही है और भगवान वहां बंधे हुए हैं रस्सी में, सखु भाई को पता ही नहीं तो शायद वो कुछ और उपाय करते। थोड़े दिन बाद उनके पति को होश आ रहे, बेचारी इतने दिन से बंधी हुई है, उन्होंने उसको खोल दिया। अब खोल दिया तो भगवान पत्नी बने हैं माय डियर, कोई विश्वास करेगा? पत्नी जो जो काम करते सब किए, गोबर से लीपना, बर्तन मांजना, रोटी बनाना और कृष्णा से जल लेकर के आना, स्वयं कपड़े धोना, ये सब काम भगवान कई दिन तक स्वयं करते रहे। और वहां कीर्तन करते करते और उसको देह छूट गया, सखु भाई वही जय श्री कृष्ण हो गए। उसके लोगों ने उनके गांव के आसपास के लोगों ने, तो ब्राह्मणी है वो सखु भाई है, उसकी दाह क्रिया भी कर दी। अब उसका तो वहां दाह क्रिया हो गई, भगवान यहां बदले खड़े, क्या उपाय हो? तो भगवती रुकमणी को कहा, अरे भैया मेरा पति क्या इसी तरह जिंदगी भर बना रहेगा, वहां पर पत्नी बना हुआ सेवा करता रहेगा, पत्नी भाव से बंधे। तो जो दाह क्रिया हो गई थी उसमें से जो अस्थियां बची थी उन अस्थियों को लाके और हमारी भगवती रुक्मिणी ने, अरे उनको तो हड्डियां न लाए होती, उद्भव स्थित संहार कारणी क्लेश हारणी है, वो तो सगत जगत की सृष्टा है, उन्होंने है, और उसको सखु भाई को कह दिया। और तूने कहा तो उस शरीर से मैं अब घर नहीं जाऊं, तेरा वो शरीर तो नहीं रहा, ये तेरा नया शरीर है, जा
मेरा आशीर्वाद है, तेरा कल्याण हो। अब सखू भाई लौट करके आई। अब भगवान ने सोचा कि अब हम दो जने एक साथ दिखाई पड़े तो कैसे होगा, तो जल की मटकी लेकर के और कृष्णा नदी पहुंच गए। और यहाँ घर वालों का सवाल, भगवान का हाथ का भोजन, भगवान जैसा पत्नी भोजन बनावे तो फिर सास ससुर भी थोड़ा ठीक हो ही जाएंगे भोजन करके, भगवान के दर्शन करके। तो वहां पर भगवान ने नदी के किनारे ले सखू भाई को घड़ा पकड़ाया और दो चार मीठी मीठी बातें करके और चले गए। सखू भाई घर आई और वो घड़ा रख करके अपने सब सेवा में लग गई। किसी ने कुछ पूछा नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं। दो तीन दिन बाद वो जो बड़ा ब्राह्मण जिसने उनकी दाह क्रिया की थी, गांव का नाम था बगल का, वो ब्राह्मण देवता है, अरे तेरी सखू भाई तो मर गई, वहां जला दी गई, क्या बात कर रहे हो, हमारी जगवाई तो यही है। ये नहीं कहा मैंने तेरे तक बांध रखा था, यही है, रोज सेवा करती है। उसको सखू भाई देख, अरे कोई प्रेत है, वो तो वही जल गई, खाक हो गई। तो सखू भाई से पूछा तो सखू भाई ने सारी घटना बताई। सुन करके उसके सास ससुर और पति सबके सबके हृदय में भगवान के प्रति भाव जागृत हो गया और तब से उनके मन का वही मनस्य भी निवृत्त हो गया और सखू भाई के प्रति बड़े सद्भाव हुए। बड़ा प्रसिद्ध है सखू भाई का चरित्र। हमको इस चरित्र से क्या भगवान की सीमा, यहां तो सखू भाई ने भगवान को बुलाया भी नहीं, भगवान ने नहीं कहा जाओ मेरी ड्यूटी कर दो जाके थोड़े दिन के लिए, जरा बर्तन वर्तन मांग दो और पत्नी की जो जो सेवाएं सब होती कर देना जा करके, कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन भगवान को अपनी सखू की रक्षा करनी है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ानी है, उसके माध्यम से भक्त की महिमा का बखान करना है, इसलिए भगवान ने वो संबंध भी स्वीकार किया जिसको सामान्यतः कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो ऐसे भगवान भक्त वत्सल हैं, आर्तत्राण परायण है। यदि ऐसे भगवान की हम शरण नहीं लेते हैं, हम उनके प्रति परिपूर्णतया समर्पित नहीं होते हैं, मनुष्य जीवन पा करके तो हमसे अधिक समझदार और कौन होगा। परमात्मा ही कृपा करके हमको सद्बुद्धि दें, अपने चरणों की ओर अग्रसरित करें, चरण प्रेम दें। इस प्रार्थना सहित श्री यमुना महारानी से आग्रह करते हैं, आप संबंध जोड़ने वाली हैं, भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ दें। ये प्रार्थना स्वीकार करें यमुना महारानी, यहाँ समस्त उपस्थित महापुरुषों के चरणों में वंदन, सभी ऋषि कुमारों और आचार्यगणों को वंदन, आप सब भाई बहनों सहित विज्ञान के माध्यम से जो जुड़े हैं उन सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।